अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जायका। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ भरवा बैंगन की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बैंगन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से जो मार्केट में छोटी छोटी साइज़ में जो बैंगन आते हैं ना, मैंने यहाँ पे वही इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि छोटे बैंगन भरवा बैंगन के लिए परफेक्ट रहते हैं। इसकी जगह पे आप मीडियम साइज़ के बैंगन से भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले इसे पानी में वॉश करना है, उसके ऊपर जो पानी लगा है इसे इस तरह से पोंछ लेना है। उसके बाद फिर इसे हमने कट्स लगाना है। बैंगनों को कट्स नीचे तक ना लगाएं, थोड़ा सा गैप रखें ताकि जब हम मसाला इसमें स्टफ करें तो ये टूट ना जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से सारे बैंगनों पे मैं कट्स लगा लेती। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बैंगनों पे मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसे साइड करके रख देते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडिंग जार में स्मूथ पेस्ट तैयार किया। तो ये पेस्ट इसमें ऐड किया है। दो हरी मिर्चों का क्रश किया है इस तरह से, इसे भी इसमें डाल दिया। और चार पाँच लहसुन को क्रश करके मोटा मोटा क्रश किया इसी तरह से, उसमें डाल दिया। कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं, यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, और गरम मसाला होममेड ले लिया है 1/4 टीस्पून, या कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हो। अब ये हो गए सारे मसाले। इन मसालों की बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन। 2 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल करूँगी ताकि मसाला बैंगनों से बाहर ना आए जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हल्की सी खटास के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर सकते हो। क्रंच बनाने के लिए 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ऑप्शनल है। और यहाँ पे राइस फ्लोर 1 टेबल स्पून ताकि मसाला हल्का क्रिस्पी बने, और नमक हसबे जायका। अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। पानी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगे ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप नमक को टेस्ट करें, देखें नमक की अगर ज़रूरत है तो आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, भरवा बैंगन का मसाला स्टफ़ के लिए तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को हम साइड करके रख देते हैं और सबसे पहले इस बैंगनों पे नमक अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा नमक लगाना है। अच्छे से नमक लगाने के बाद अब बैंगनों को साइड कर देते हैं और जो मसाला है इसे इसमें स्टफ़ करते हैं। देखिए कट मैंने नीचे तक नहीं लगाए, इसकी वजह यही है कि जब आप मसाला स्टफ़ करो तो ये टूट जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम स्टफ़ बैंगन बनाते हैं इस तरह से, तो जैसे ही हम उन्हें कुक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उसकी वजह से जो अंदर हमने मसाला स्टफ़ किया वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और डिश की प्रेजेंटेशन भी बहुत बुरी लगती है। इसलिए मैंने यहाँ पर राइस फ्लोर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि मसाले का टेक्स्चर हल्का सा क्रिस्पी हो और दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो देखिए, मसाले को मैंने इस तरह से बैंगन में स्टफ़ किया है और इसी तरह से सारे बैंगनों में मसाले को स्टफ़ करती हूँ और फिर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बैंगनों में मसाले को अच्छे से स्टफ़ किया है। कुछ मसाला बच गया है, इसे भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। और ऑयल में कुछ चीज़ें डालनी हूँ, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फ्लेम को हाई रखा है, ऑयल हीट हो जाए फिर 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे जो हम दाल फ्राई में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मस्टर्ड यानी राई। एक बार राई अच्छे से स्प्लैटर हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं करी पत्ता, अगर आप चाहो तो ऐड करें। सारी चीज़ों को ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने अभी भी हाई रखा है। अब बैंगन को एक एक करके इसमें डालते जाए। बैंगन डालते वक्त फ्लेम को हाई रखें। इसमें मैं आपको एक टिप बताऊंगी आगे जाके, जिससे कि बैंगन जल्दी से गल जाएंगे और बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा इसके ऊपर। अच्छे से इसे इस तरह से टॉस करेंगे हल्का सा। अगर बचा हुआ मसाला हो तो यहाँ पे साइड से डाल दें। अब फ्लेम को मीडियम करना है और इस पर लीड रखें। 10 से 15 मिनट इसे कुक करना है या हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट रखा और इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। तो इसे मैं एक एक करके टर्न कर देती हूँ। टर्न करने के बाद इस पर हम पानी का हल्का सा छिड़काव करेंगे, जिससे कि इसमें भाप बने और बैंगन जल्द से जल्द गल जाए और ये ड्राई भी ना लगे। अब फिर से लीड रखते हैं 10 मिनट के लिए या फिर बैंगन गल जाने तक। तो देखिए, एक तरफ से गल चुके। इस तरह से पानी का छिड़काव आपने 2 बार करना है।
एक और बार पानी का छिड़काव करेंगे इसके ऊपर दूसरी तरफ से, फिर से 10 मिनट के लिए लीड रख देते हैं और 10 मिनट के बाद हम लीड को खोल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे भरवा बैंगन, हमारे स्टफ बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। दो बार आपने पानी का छिड़काव करना है ये रिजल्ट मिलने के लिए। और देखिए मसाला भी इससे बाहर नहीं निकला है क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस भरवा बैंगन को आप मसाला दाल फ्राई या दाल तड़का के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे भरवा बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।